हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये हमारा फिंगर अबेकस मल्टीप्लिकेशन क्लास 2 है और इसमें हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े नंबरों का कैलकुलेशन हम फिंगर्स में विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। मगर उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अबेकस कोर्स करके बचपन में ही बड़े बड़े नंबरों का कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स कर पाए माइंड में, या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोडिंग क्लासेस करके बचपन में ही गेम डेवलपर बने, तो हमारे इंस्टीट्यूट एवा एकेडमी में फ्री डेमो क्लास जरूर बुक कर लीजिएगा। फोन नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के दो मेथड्स के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको मेथड 1 बताया था, अब मैं आपको मेथड 2 बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जब हम फिंगर्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड 1, जिसमें हम पहले वंस प्लेस को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद टेंस प्लेस को। और दूसरा है मेथड 2, जिसमें हम पहले टेंस प्लेस को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद वंस प्लेस को। अब मैं दोनों के बीच का डिफरेंस बताने वाली हूँ, ठीक है। मेथड 1 हम कब यूज करते हैं? फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा छोटा है और आप उसको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं तो आपको मेथड 1 यूज करना चाहिए, जिसमें आपको पहले क्या करना है, ये हमारा वंस प्लेस है, ये हमारा टेंस प्लेस है। तो पहले हम वंस प्लेस का मल्टीप्लिकेशन वंस प्लेस के साथ करेंगे और वंस प्लेस में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी राइट हैंड में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम टेंस प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस प्लेस में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड में रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक 3 3s are 9, 3 3s are 9। और जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम उल्टा करके बोलेंगे, पहले टेंस प्लेस को बोलेंगे उसके बाद वंस प्लेस को बोलेंगे, 99, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, 3 1s are, पहले हम वंस प्लेस करेंगे, 3 1s are 3, उसके बाद हम टेंस प्लेस करेंगे, 3 2s are 6, उसके बाद हम उल्टा करेंगे, यानी कि पहले हम टेंस बोलेंगे और फिर वंस बोलेंगे, 63। अंडरस्टूड? एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 2s are 4, ये वंस प्लेस है तो पहले हम वंस प्लेस कैलकुलेट करके राइट हैंड में रिप्रेजेंट करेंगे, 2 2s are 4, उसके बाद ये टेंस प्लेस है तो हम टेंस प्लेस में यानी लेफ्ट हैंड में रिप्रेजेंट करेंगे, 2 4s are 8, ओके। और बोलते समय में पहले हम टेंस प्लेस बोलेंगे और फिर वंस प्लेस, 84। अंडरस्टूड? तो ये मेथड हम कब यूज करते हैं, जब हमारे बच्चे छोटे हैं और उसे हम मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं। 5 6 7 ईयर ओल्ड किड्स को हम मेथड 1 सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में जब हमें सिखाया जाता है तो इसी तरीके से सिखाया जाता है, पहले वंस प्लेस कैलकुलेट करो, देन टेंस प्लेस कैलकुलेट करो। तो जब बच्चे छोटे होते हैं और सेम चीज के लिए हम दो मेथड्स बता देते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए अगर आपका बच्चा छोटा है और आप उसे सिखा रहे हैं तो आप पहले वंस और उसके बाद टेंस कैलकुलेट करवाइए, क्योंकि स्कूल में भी यही मेथड फॉलो होगा तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 थोड़ा कन्वीनियंट होता है और बड़े जो है वो मेथड 2 यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, है ना। तो मेथड 2 में हम क्या करते हैं, पहले टेंस प्लेस करते हैं फिर वंस प्लेस करते हैं। तो इसमें हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती। मेथड 1 में हमने क्या किया, पहले वंस कैलकुलेट किया, फिर टेंस कैलकुलेट किया, फिर रिवर्स करके आंसर बताया, ठीक है। कैलकुलेट करते समय तो पहले वंस और आंसर बताते समय पहले टेंस, लेकिन मेथड 2 में ये कंफ्यूजन नहीं होता है। मेथड 2 में हम पहले टेंस कैलकुलेट करते हैं फिर वंस कैलकुलेट करते हैं, और जब हम बताते भी हैं तो भी टेंस पहले बताते हैं और फिर वंस बताते हैं, ठीक है। जैसे 3 3s are 9, देन 3 3s are 9, 99, ठीक है। 3 2s are 6, 3 1s are 3, 63, 4 2 4s are 8, 2 2s are 4, 84। अंडरस्टूड? ओके, अब हम आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला। फ्रेंड्स, हमारे मल्टीप्लिकेशन के कंप्लीट कोर्स में हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है बिग फ्रेंड फॉर्मूला और दूसरा होता है स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला। स्मॉल फ्रेंड हम नंबर 5 को कहते हैं और बिग फ्रेंड हम नंबर 10 को कहते हैं। जब भी हमें 5 से छोटे नंबर चाहिए, जैसे 1 2 3 4, तो हम स्मॉल फ्रेंड को कॉल करते हैं, यानी स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला यूज करते हैं। और जब हमें 5 से बड़े नंबर चाहिए, 6 7 8 9,
तो हम बिग फ्रेंड को यानी नंबर 10 को कॉल करते हैं, यानी कि बिग फ्रेंड फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहले अभी हम स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद बिग फ्रेंड फॉर्मूला। मगर पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ये फॉर्मूला क्यों चाहिए। ओके, तो एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। 4 1s are 4, याद रखिए फ्रेंड्स, हम ये पूरे कोर्स में मेथड 2 यूज करने वाले हैं, जिसमें हम पहले टेंस प्लेस कैलकुलेट करेंगे और लेफ्ट हैंड में रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर वंस प्लेस कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंड में रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टूड? तो 4 1s are 4, तो हमें 4 बनाना है टेंस प्लेस में। देन 4 6s are 24, अब 24 हमें बनाना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 20 बनाना है, यहाँ 4 बनाना है। 4 तो हम इजीली बना लेंगे, लेकिन यहाँ 20 कैसे बनाएंगे, यहाँ तो सिर्फ 5 बचा है, अगर हम इसे ओपन करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें फ्रेंड की हेल्प चाहिए होती है, यानी फॉर्मूला की। अब देखिए कैसे ये यूज होता है। 4 1s are 4, तो हमने 4 बना लिया। अब 4 6s are 24, तो 20 हमें टेंस प्लेस में बनाना है, 4 हमें वंस प्लेस में। तो 4 हमने बना दिया। अब हम यहाँ 20 नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास फिंगर नहीं है, तो प्लस 20 के लिए हम प्लस 2 का फॉर्मूला लेंगे। प्लस 2 का क्या फॉर्मूला है फ्रेंड्स? -3 + 5। ओके, तो हम -3 करेंगे, यानी 3 फिंगर्स क्लोज करेंगे, और प्लस 5 यानी थंब को ओपन करेंगे। ओके, सो आंसर कितना आएगा? 64। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 3 1s are 3, अब हमने यहाँ 3 बना लिया। अब 3 7s are 21। ओके, तो अब हम यहाँ पे 20 बनाएंगे और यहाँ पे 1 तो हम यहाँ इजीली बना लेंगे। अब यहाँ हम 20 नहीं बना सकते क्योंकि बीट्स नहीं है, अगर हम इसे ओपन करेंगे तो प्लस 50 होगा, इसे हम ओपन करेंगे तो प्लस 10 होगा, है ना। तो प्लस 20 के लिए हम प्लस 2 का फॉर्मूला लेंगे। प्लस 2 का क्या फॉर्मूला है फ्रेंड्स? -3 + 5, तो हम -3 करेंगे यानी 3 फिंगर्स डाउन, और प्लस 5 यानी थंब को अप करेंगे। तो आंसर कितना आएगा? 51। अंडरस्टूड? ओके, इसमें हम नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स फर्स्ट फॉर्मूला यानी 4 + 1 = 5 ये फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। अब हम अपने रेगुलर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। अब हम ये रेगुलर क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। 9 1s are 9, पहले हमें टेंस प्लेस कैलकुलेट करना है, फिर वंस। 9 1s are 9, 9 1s are 9, आंसर इज 99। ओके, नेक्स्ट 8 1s are 8, 8 2s are 16, अब हमें 16 बनाना है, यानी 1 यहाँ पे बनाना है, 6 यहाँ पे बनाना है। 1 6 16, आंसर इज 96। 50 60 70 80 90 95 6 96। ओके, नेक्स्ट 8 1s are 8, 8 2s are 16, ओके ये तो मैंने ऑलरेडी करा दिया। नेक्स्ट 7 1s are 7, 7 3s are 21, अब हमें यहाँ 20 बनाना है, यहाँ पे 1 21, आंसर कितना आएगा? 91। 50 60 70 80 90 91। ओके, नेक्स्ट 6 1s are 6, 6 4s are 24, अब हमें यहाँ 20 बनाना है, यहाँ 4 बनाना है, 24। ओके, आंसर कितना आएगा? 50 60 70 80 80 1 2 3 4 84। नेक्स्ट 5 1s are 5, 5 5s are 25, अब हमें यहाँ 20 बनाना है, यहाँ 5 बनाना है, 25। आंसर कितना आएगा? 50 60 70 75। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने समझ लिया है तो अपनी मास्टरमाइंड कृतिका के साथ फास्ट मोड में से करते हैं और देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी कितना इजीली ये अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला मेथड। तो चलिए मास्टरमाइंड कृतिका को बुला लाते हैं। कृतिका प्लीज कम। हाय, आर यू रेडी कृतिका? यस। ओके बेटा, 16 × 4, 4 1s are 4, 4 6s are 24, आंसर इज 64। वेरी गुड। नेक्स्ट 17 × 3, 3 1s are 3, 7 3s are 21, आंसर इज 51। वेरी गुड। नेक्स्ट 11 × 9, 9 1s are 9, 9 1s are 9, आंसर इज 99। नेक्स्ट 12 × 8, 8 1s are 8, 8 2s are 16, आंसर इज 96। वेरी गुड। नेक्स्ट 13 × 7, 7 1s are 7, 7 3s are 21, answer is 91. Very good. Next 14 into 6, 6 1s are 6,
6 4 is 24. Answer is 84. Very good. Next, 15 into 5. 5 is 5. 5 is 25. Answer is 75. Very good. Good job. बाय। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास सच में बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू देन। बाय बाय।